दोस्तों, क्या आपको पता है कि शेर और बाघ में क्या क्या अंतर होते हैं? दोनों बिल्ली प्रजाति के सदस्य हैं, पर कई बार इनको पहचानने में गलती हो जाती है। एक ही प्रजाति के होने के बावजूद दोनों में बहुत अंतर है। शेर के गले में बालों का एक बड़ा घेरा होता है, लेकिन बाघ में ऐसा कुछ नहीं होता। शेरनी के गले में बालों का घेरा नहीं होता। बाघ के शरीर पर काली धारियां होती हैं, लेकिन शेर पर ऐसा कुछ नहीं होता। बाघ शेर के मुकाबले ज्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर बाघों के मुकाबले ऊंचाई में ज्यादा लंबे होते हैं। बाघ शेर के मुकाबले ज्यादा स्फूर्तीले और उग्र होते हैं, जबकि शेर के बारे में ये सोचा जाता है कि वो आलसी किस्म के होते हैं और वो तभी कुछ करते हैं जब वाकई में उन्हें कुछ करने की जरूरत हो। शेर बाघों के मुकाबले ज्यादा सामाजिक होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। इसे प्राइड कहा जाता है। और शेर कभी भी किसी पर यूं ही हमला नहीं करता और बाघ कभी भी हमला कर सकता है। इस अंतर में रजनीकांत की फिल्म शिवाजी द बॉस का डायलॉग फेल हो गया, जिसमें वो कहते हैं कि मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। इसे बदल कर ऐसा कर दीजिए कि झुंड में तो शेर आते हैं, बाघ अकेला आता है। दोस्तों, बाघ और शेर के बारे में ये अंतर जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।